इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट पीडीपी है वासिल डुलवाल साहब, जो आज यहाँ पर जो धरना चल रहा है डीडीसी चेयरपर्सन का, वहाँ पर जो है वो शमूलियत के लिए आए हैं और आज यहाँ सुबह से बैठे हैं। वासिल साहब, क्या बताएंगे आप, एजिटेशन को लेकर चारों तरफ से जो है वो अटैक किया जा रहा है, यहाँ तक कि कल जो डीडीसी चेयरपर्सन है उनके हस्बैंड के भी कुछ डाटा जो है वो रिलीज किया गया, तो क्या आप मान रहे हैं कि ये कहाँ की तरफ जा रही है, क्या हम टकराव की तरफ जा रहे हैं कि या फिर हम एक प्लेटफार्म पर जो है वो रह पाएंगे? देखिए आसिफ साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी वजह से हमारी आवाज़ जो है यहाँ के प्रशासन या हमारे एलजी साहब तक पहुँचती है। उसके बाद आपने इस प्रोटेस्ट की बात की, आप मुझे बताइए कौन लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं इसकी मुखालफत करते हैं। देखिए, जहां आपके 10 दोस्त हैं वहां आपके 2 दुश्मन भी हो सकते हैं। यहां पे हमारे अगर आप किसी को भी लाइए, किश्तवाड़ की मैं खुसूसन बात करूंगा, यहां जो भी हक की बात करेगा तो ज़रूर 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ मुआद निकाल के आपके पीछे पड़ेंगे। आप मुझे बताइए, मैंने सुबह से आज मीडिया से बात की कि ये प्रोटेस्ट आप बता रहे हैं कि चेयरपर्सन को बता रहे हैं, ये मैं आपकी वसादत से, आपके चैनल की वसादत से ये बात अवाम तक पहुंचाना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो प्रोटेस्ट है, जब मुझे पूजा जी ने कॉल करके यहाँ पे बुलाया, हमारे जाकिर साहब ने कॉल किया, बाकी जितने भी हमारे साथी हैं, जब हमने ये आवाज़ उठाई तो इस आवाज़ में हमने सबसे पहले क्या किया कि बहसे थे किश्तवाड़ी ना ही, क्योंकि ये लोग जो हैं ये चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ की चेयरपर्सन जो हमारी बहन है पूजा ठाकुर जी, इन पे एलिगेशन या बाकी चीज़ें बनाकर इस प्रोटेस्ट को किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए। मैं आपको बताता चलो आसिफ साहब, ये प्रोटेस्ट जो है ये किश्तवाड़ के उस बेरोजगार का प्रोटेस्ट है जो आज आप देख रहे होंगे साइकिल लेकर किस तरीके से हमारे नौजवान सिविल इंजीनियर, एक मेरा भाई, एक मुदस्सिर नाम का एक मेरा भाई जो है सिविल इंजीनियर, वो मोमोज बेचता है। बिल्कुल, तो ये आवाज जो है ये हर उस हमारे घर में जो है सुनिए पिज़्ज़ा बेचते हैं, जो भी हमारे नौजवानों के, मैं किश्तवाड़ की बात करूंगा, यहाँ पे इस टाइम जो ये प्रोटेस्ट है ये हर उस नौजवान का प्रोटेस्ट है जिसका पेट भूख से बेचारा मर रहा है, ये उसका प्रोटेस्ट है। ये उस नौजवान का प्रोटेस्ट है जो सिविल इंजीनियरिंग, बाकी इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री कर करके यहाँ पे फाइल जो अभी मैडम के पास आप देख रहे होंगे, मैडम के पास जो इन्होंने रिज्यूम भेजे हैं, डिप्लोमा डिग्री कर करके जो हमारे नौजवान आज गलत रास्ते की तरफ भटक रहे हैं, ये उन लोगों का प्रोटेस्ट है। यहाँ पे एक दिशा दी जा रही है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट है। मैं आपके चैनल की वसादत से बताना चाहूँगा कि ये किश्तवाड़ के हर उस नौजवान का प्रोटेस्ट है जिसके साथ यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े क्रिटिक हो, तो एक डाटा आ रहा है जो जिसको सोशल मीडिया की रंगत दी जा रही है, एक तो मैडम के हस्बैंड को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो ये जताया जा रहा है कि 80% 85% 90% लगे हैं प्रोजेक्ट्स में। अगर 90% 80% लगे हैं तो फिर लगता नहीं है मैडम खुद का भी टाइम, आपका भी और हमारा भी जो है वो वेस्ट कर रही है टाइम? देखिए आसिफ साहब, आपने सही सवाल पूछा कि अगर, सबसे पहले मैं इस बात का जवाब दूंगा कि सोशल मीडिया पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने भी कल रात को देखे, अगर वैसा कुछ होता तो सबसे पहले शायद मैं यहाँ पर नहीं आता। अगर कोई ठेकेदार है, किसी को ठेका करना है, किस कोई जिनका प्रोफेशन है, अगर कोई सरपंच है उसका बनता है कि वो काम करे, यहाँ पे अगर मैं यूथ प्रेसिडेंट हूँ क्या मेरा काम नहीं है, मैं कल को कोई मजदूरी करूँ क्या मेरा हक नहीं है, कल को पावर प्रोजेक्ट में मैं भी काम, अगर मैं भी कोई काम करूँ क्या कोई गुनाह कर रहा हूँ, क्या मैं रोजी रोटी नहीं खाऊँ? देखिए आसिफ साहब, ये गलत एक कंसेप्ट दिया जा रहा है लोगों को कि यहाँ पे जी फलानी ठेका कर रहा है, फलानी ये कर रहा है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे आज इतनी बेरोजगारी फैल गई है, हमारे पूर्व एमएलए मिनिस्टर साहब सुनील जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पे जो है 15,000 लोग जो है पावर प्रोजेक्ट्स में लगेंगे, क्या वजह है? बिल्कुल, सैफरान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया था, उसकी बहनें जो है वो पर्स लेके चली। एक मिनट, यहाँ पे स्किल्ड की और अनस्किल्ड की बात की गई, जबकि जब ड्यूकॉम साहब परसों और आईजी साहब आए थे उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, वहां पे जो बात हुई कि स्किल के लिए यहाँ पे जी, मैंने कहा यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्यों नहीं दिया गया, जबकि एक हब बनाया गया हमारे किश्तवाड़ जिला को, वो कहीं और दिया, क्या यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हमारे लिए नहीं होना चाहिए? क्या हम अंधेरे में होने चाहिए जहाँ पे 4-4, 5-5 पावर प्रोजेक्ट्स हैं? हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं अगर आज हम किश्तवाड़ के लिए अपना हक मांग रहे हैं? आज देखिए, हम परसों 4 दिन के बाद किश्तवाड़ को रोशनी मिली, हम बिना लाइट के रहते हैं यहाँ पे, ग्रिड यहाँ से उधमपुर है, क्या वजह है कि कब तक हम लोग जो है इस पे खामोश बैठे? आज देखिए कोरोना की महामारी है,
जो हमारे भाई जो डिप्लोमा डिग्री कर करके दिल्ली काम करते थे, जम्मू काम करते थे, होटल्स बंद हुए, वो बेचारे आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या वजह है? अगर आज चार पावर प्रोजेक्ट्स पे काम लगा है तो आपने जो बात की 80-20 की, आप मुझे आसिफ साहब बताइए, मैं बताऊंगा आपको। ड्यूकॉम साहब से हमने बात की, आप हमें बताइए, हमने ड्यूकॉम साहब को भी बोला, हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को वहां पे बोला, आप हमें बताइए वो 80 कौन है। यहाँ पे सरासर जो है नाइंसाफी की जा रही है यहाँ के युवाओं के साथ। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, इनको जो है एक ठेकेदार के थ्रू लगाया जा रहा है, ना कि किसी कंपनी के साथ, मैं आपको बताता चलूं। और यहाँ पे सरासर सिर्फ सेलेक्टिव सेलेक्टिव ये हो रहा है। मैं एक डिफरेंस जानना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एलोबरेट करें इसको कि जो ठेकेदारी और कंपनी की एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या फर्क है। मैं आपको बताता हूँ आसिफ साहब, हमने परसों मजदूरों की बात ड्यूकॉम के सामने की, 250 रुपये मैम कितना बता रहे थे मिल रहा है, 257 मिल। अफसोस आप देखिए कि आज मजदूर को जो है यहाँ पे दिहाड़ी जो है 250 रुपये दी जाती है, जबकि हमने जब पेपर हमारे चेयरपर्सन ने शो किया ड्यूकॉम के सामने, इनका ही लिखा हुआ पावर प्रोजेक्ट्स का कि हम 450 कितना बोला था लेबर्स को 300 और 450 जो स्किल्ड है, लेकिन बाहर तो 500-600 वही देखिए ना तो ये फिर काम क्यों कर रहे हैं आप आसिफ साहब। हम ऐसे ही यहाँ पे नहीं बैठे हैं, हम आपको यही कह रहे हैं कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है यहाँ के मजदूर तबका। अफसोस ये है कि क्या हम मजदूरी के लायक भी नहीं है? अगर हम मजदूरी यहाँ पे कर रहे हैं, हमें वो पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, क्यों? ये जो है इन्होंने कंपनीज ने क्या किया है, इन्होंने बड़े बड़े ठेकेदार लाए हैं, ये काम उन्होंने उन ठेकेदारों को दिया है, आगे से ठेकेदार जो है उनको कमीशन खाकर जो है हमारे मजदूरों को 250-250 रुपये दिया जा रहा है दिहाड़ी। नहीं लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा ना कि जब हम बाहर इतनी काम चल रहे हैं वहां पर तो हम बाहर के ही लोग मजदूर हैं, अगर हमारे पास यहाँ लोकल मजदूर है वो 250 रुपये में काम करने के बजाय जो प्राइवेट यहाँ पर हम घर बनाते हैं बाकी जन वहाँ क्यों नहीं दिखते? देखिए आसिफ साहब, मैं यहाँ पे लोगों को आशा थी, एक उम्मीद थी कि हमारे किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमें अब ना मजदूरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी लोगों के घरों में जाने की या बाकी चीज़ें, हम जो है पावर प्रोजेक्ट्स में अब्सॉर्ब हो सकते हैं, हमें काम मिल सकता है, हम वहाँ पे गिनती बिलचा चलाकर अपना जो दिन है मार्केट से ज़्यादा मिलेगा। एग्जैक्टली बात है। तो लेकिन देखने को ये मिला कि वहाँ पे जो है सरासर गुंडागर्दी चल रही है। हमने परसों ड्यूकॉम साहब के सामने ये बात कही, आप मुझे आसिफ साहब मैं ये दावे से कहता हूँ, ये मैं ड्यूकॉम साहब के सामने और आईजी साहब के सामने भी ये मेरा स्टेटमेंट था, पूजा जी भी हमारे साथ में थी, यहाँ पे जितने भी मेरे को साथी बैठे हैं ये भी मौजूद थे उस मीटिंग में, मैंने ड्यूकॉम साहब को बोला, उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं क्वेश्चन इस पे, तो मैंने उस पर आंसर दिया था कि सर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। आप मुझे बताएं पावर प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे कितने डंपर्स या जेसीबी लगी हैं, वो किन लोगों की है, वो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी गाड़ियां, और वो एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयज की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, चाहे वो बीजेपी के समर्थक हैं या किसके, मुझे उससे कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जिसका रिप्लाई हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने ड्यूकॉम साहब को दिया कि सर वो जो है उनके बीवी उनके नाम पे जो है निकाली गई। आप मुझे बताइए कि ये नाइंसाफी नहीं है? क्या हमारा एक बेरोजगार नौजवान, मेरा भाई डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट से खादी विलेज या इंडस्ट्रियल से लोन निकाल के क्या अपनी एक गाड़ी निकाल के क्या वो पेट नहीं पाल सकता था? क्यों वो उससे छीना जा रहा है और उसी के दर दिया जा सकता है जो लाख लाख डेढ़ लाख रुपए गवर्नमेंट सैलरी ले रहा है? ये डीसी साहब ने परसों ड्यूकॉम साहब के सामने कहा कि जनाब वहाँ पे किसी की बीवियों के नाम पे जी गाड़ी निकाली। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स के बजाय जो है वो जो नॉन कमर्शियल व्हीकल से, यानी कि जो मेरी अपनी गाड़ी है वो भी मैंने लगाई है, ये वाइट प्लेट और येलो प्लेट का चक्कर होता है, वो शायद आपने देखा होगा कि जो कमर्शियल व्हीकल है उसमें येलो प्लेट होती है और जो नॉन कमर्शियल है उसमें वाइट प्लेट होती है, तो वो भी जो है वो गाड़ियाँ लगाई गई है। तो अब बात आ गई कि कंपनी की नौकरी पे हम आ जाते हैं कि आपने तो ये एक्सप्लेन किया कि जो लेबर है जो कंपनी में मुलाजिम लगते हैं उनको और इनसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए आशीष साहब, मैं आपको बताऊं, हमारे पास इस टाइम हमारी जो लड़ाई है वो है CVPP और NHPC, क्योंकि इन लोगों को जो काम दिया गया है ये कल नहीं परसों यहाँ से चले जाएंगे अपना बोरी बिस्तरा लेकर। हमारी लड़ाई इनसे है ताकि जब तक ये पावर प्रोजेक्ट से वहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयज जो इनके थ्रू लगे ताकि वो तब तक काम वहाँ पे कर सके। ये तो टेम्परेरी बेस पे है जो अभी इनको लगाया जा रहा है हमारे नौजवानों को। आप कल देखिए जो लिस्ट निकली है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे इनको? मुझे लगता बिल्कुल भी नहीं। कहाँ से मिलेगा? अगर कंपनी के साथ हो तो मिलेगा ना, वही हम बता रहे हैं आसिफ साहब। देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। कंपनी के थ्रू अगर हमारा कोई युवा लगता है, हमारा नौजवान लगता है,
जब तक यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स चलते हैं तब तक उसको उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। जो सप्लेट पे दिया जाता है, मतलब मैं ठेकेदार हूँ, मैं किसी को आगे काम दे रहा हूँ, ये तब तक ही है जब तक ये कंपनीज है, कंपनी ने अपना बोरी बिस्तर। अगर 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 यहाँ पर वो काम करने के जो सबलेट की आप बात कर रहे हैं, अगर वासिल डुलवाल जो है वो काम करने का एक्सपीरियंस रखता है और आज वो काम कर रहा है, तो फिर CVPPO ने जो है वो जो NHPC है तो उन्होंने JP को लाने की क्या जरूरत थी फिर अगर आगे सबलेट ही करना था? तो वही बदकिस्मती, वही आसिफ साहब, हम इसी धरने पे तो फिर LLT को लाने की क्यों जरूरत है अगर यहाँ पर पूजा जी के हस्बैंड पर इल्जाम लग रहा है कि वो ठेकेदारी करते हैं, उस काम में माहिर है, तो अगर वो माहिर है तो फिर JP को देने की, यहाँ के किश्तवाड़ के लोगों को क्यों नहीं दिया? यही बात आसिफ साहब, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आपने खुद ही इस सवाल का जवाब भी दे दिया, इसीलिए हम धरने पे बैठे हैं कि हमारे साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। और जो यहाँ पे हमने ये खाली पूजा जी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये किश्तवाड़ के हर नौजवान का प्रोटेस्ट है। जो हमारा नौजवान इस टाइम भटक रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, एक तरफ से सरकार कह रही है कि हमारा जो नौजवान भटके रास्तों पे निकला है, हम उनको दावत देते हैं कि वापस आ जाएं। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे नौजवानों को दावत दी जा रही है कि आप भटके, क्योंकि हमें इस टाइम जरूरत नहीं है हम जम्मू या कश्मीर में नौकरी करें, हमारे किश्तवाड़ में नौकरियां हैं, हमारे किश्तवाड़ में हब है पावर प्रोजेक्ट। क्यों हम हमारे नौजवान बाहर जाएंगे, अपने मां-बाप का सहारा रहेंगे यहां पे? जहां आसिफ साहब पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं वहां पे जो है 80% जो है लोकल को प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके अलावा मैं बताता चलूं, उसके अलावा 5 किलोमीटर की रेडियस में जो है लाइट इनको फ्री देनी होती है, इनको हॉस्पिटल देना होता है, इनको एक अच्छा स्कूल देना होता है। आप मुझे बताइए हम कब तक रोना रोए? यहाँ तो कुछ लोग मजाक उड़ा रहे, क्या हमारी बहन ने परसों रोया? हमने तो इसी बात पर रोया, सारे तो रो रहे। आप वहाँ पर थे क्या? ये आंसू जो है वो झूठे थे? कहीं ग्लेसरीन तो नहीं डाला? नहीं आसिफ साहब, देखिए मैं आपको बताता चलूं, सुनिए मेरी बात, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। वही के शायद ग्लेसरीन, सुनिए आवाम देख रही है, मैं आपको मेरे ख्याल ग्लेसरीन नहीं लगता जो वो पिक्चर में वो आंसू लाए। आसिफ साहब मेरी बात सुनिए, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चला हूं, मैं आपको सच बताऊंगा। वहां पे हर एक को दिल पे ठेस लगी जब हमने देखा कि हमें बुलाया गया वहां पे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। हम फिर वो जो नौजवानों का दर्द लेकर हम गए थे, हमें लगा कि हम वापस खाली हाथ लौटे, और इनके आंसू नहीं, हमारे जो कई हमारे जो लीडर्स थे उनकी आंखों में आंसू आए। हम बाहर निकले सबसे पहले, जब बाहर देखा लोगों ने तो उनको, क्योंकि हमें लगा कि यार जो हम बात करने आए थे, जो जिसके लिए हमारी बहन आज ठंड कड़कती हुई ठंड में वहां डांगडुरु में प्रोटेस्ट पे बैठी, यहाँ पे हम आज इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, तो जो वजह थी, जो हमारा मसला था, जो लेकर हम एजेंडा लेकर गए थे, जब हमने देखा कि वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें टाल मटोल करके वहां से वापस किया गया, तो आंसू तो आने थे। अच्छा दूसरी बात यह है कि मतलब इस वक्त काल जो है वो एक सोशल मीडिया पे बात आई कि प्रोटेस्ट का आलाप किया गया तो कुछ एग्रीमेंट हो गया और इनके बीच कोई फैसला हुआ। बाद में ऑफिशियली DDC चेयरमैन आपने फेसबुक पे कहती है कि वो एक र्यूमर है, कौन लोग ये इसके पीछे आप लगते हैं? मैं बताऊंगा क्या लगता है, मैं बताऊंगा। यहाँ मैंने आपको पहले भी कई अपने स्टेटमेंट्स में ये बयान मैंने दिया था कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं जिनका पेट भरा है, ठीक, एक तबका ऐसा है, वो लोग मेरे साथ आए, मैं उनको बताता हूँ कि गुर्बत किसे कहते हैं। पढ़े लिखे नौजवान जो आज हमारे बाजार में दुकानें खोल के मोमोज बेच रहे हैं, मैं उन लोगों को बताऊंगा कि इसे दर्द कहते हैं, जिनके पेट पे इस टाइम भूख की मार है, जो भूख से मर रहे हैं, ये उन लोगों का प्रोटेस्ट है। जो लोग करोड़पति ऑलरेडी हैं, जो यहाँ से बाहर अयाशी करने जा रहे हैं, कोई स्टेटमेंट देने से कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता आसिफ साहब, ये आवाम है। आज डिजिटल दौर है, आज लोग देख रहे हैं कि आज इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने बयान दिया, किसी ने मोड़ने की कोशिश की, आज आवाम देख रही है कि हम जिस वजह से जिस मकसद के लिए यहाँ पे बैठे वो क्या है, आवाम देख रही है, हमें ज्यादा इस पर तबसरा करने की जरूरत है। ये जो इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ से उठने के लिए क्या चाहिए आपको कि आप यहाँ से उठे? हमारा पूजा जी भी चली, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो तो 80% दी है, बोल तो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपको साहब, फिर वही 80% की बात करें, वो तो हमें भी परसों कागजात में दिखाया गया 80-20। मैं आपको बता रहा हूँ जो 80, ये 80-20 का वो रेशियो दिखा रहे हैं, वो 80-20 नहीं है, वो 80 जो है वो सिलेक्टिव कुछ लोग हैं यहाँ पे। जैसे मेरे कई भाइयों ने कहा कि यहाँ पे चेहरा देख के, चेहरा आप मुझे बताइए, परसों हमने इंजीनियर्स को बुलाया है, आप देखिए कि कितने लोग यहाँ पे, क्या वो डिजर्व नहीं करते थे? यहाँ पे खाली सिलेक्टेड
मेरा भी चेहरा अच्छा है लेकिन मुझे किसी ने जो अहमियत नहीं दी। देखिए आसिफ साहब, मैं आपको वही बता रहा हूँ, पिक एंड चूज करके यहाँ पे जो है, यहाँ पे नहीं, ये चेहरे कौन है जो जिनको वो ज्यादा ही दिया जा रहा है ना। मेरा भी तो इतना अच्छा चेहरा है, देख लीजिए आसिफ साहब, लोग देखते हैं मुझे। ये कंपनीज के कुछ खैरख्वाह हैं, ये कंपनीज के खैरख्वाह, ये आज ही नहीं, ये हम सुनते आए थे अपने बड़ों से कि जब यहाँ पे पहले भी पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर स्ट्राइक हुई थी, हाँ यहाँ पे डिस्ट्रिक एजुटेशन में भी कुछ गिने चुने लोग थे, यहाँ पे कॉलेज एजुटेशन में भी कुछ कई लोगों ने अपोजिशन की। तो आज का धरना है तो हमें बुरा नहीं लगता कोई अगर अपोजिशन करे भी, क्योंकि ये लोग हैं ही अपोजिशन के लिए। मतलब आप एक पीडीपी के भी लीडर है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने दो चीज़ें जो है वो सबसे बड़ी अहमियत की बात उठाई, एक तो जो यहाँ के मंदिरों की ज़मीन है उसको जो है वो हड़प किया गया है, और दूसरा यहाँ कुछ इलाके हैं जिनके नाम तब्दील किए गए हैं। तो आज तो सारे इधर पर हिंदू मुस्लिम एक साथ थे, तो आप क्या बताएंगे इस पॉइंट को? देखिए मैं इसमें ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि जिस पार्टी का आपने नाम लिया उस पार्टी का काम है इसी पर राजनीति करना। नहीं लेकिन अगर सुनिए, मंदिर की जमीन हड़प की गई, मैं बताऊंगा। मैं देखिए, चाहे मंदिर की जमीन हो या मस्जिद की, वो तो ठीक है, क्यों कोई हड़पे, हम उसको कहीं ये नहीं कहेंगे। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिस पार्टी का आपने नाम लिया, इनका मुद्दा है कि ये, इसके अलावा आप इनसे पूछिए ना, आप तो एक यहाँ के माने जाने हमारे जर्नलिस्ट हैं आसिफ साहब, अगर आप दम रखते हैं तो आप इनसे क्वेश्चन करिए ना। इनके पूर्व मंत्री साहब जो सुनील जी हैं, उन्होंने उनकी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे 15,000 नौजवानों को जो है रोजगार मिलेगा। क्या वजह है? यहाँ पे तो खाली मुसलमान तबका नहीं बैठा, यहाँ पे तो हिंदू भाई भी आज कि पाइप में पूरा अब्दुल्ला खानदान होगा, कहीं आप उस पाइप में घुसे कभी? अब वो तो वही घुसे होंगे जिन्होंने कहा हो, हमने तो नहीं कहा, जिन्होंने कहा तो वो घुसे होंगे शायद। लिहाजा देखिए, ये आवाम इनको खुद जवाब दे देगी आने वाले टाइम में। आज आप देख रहे होंगे, मैं सियासत, ये हमारा सियासी स्टेज नहीं है, वो जवाब इनको हर जगह मिल रहा है, यूपी में, बंगाल में, हर जगह आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक जोरदार तमाचा इनके उन पर लग रहा है। तो आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि इनको एक जोरदार तमाचा शहर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से भी मिलेगा। शुक्रिया। ये है वासिल डुलाल साहब, पीडीपी यूथ प्रेसिडेंट। इनका पहले भी ये था कि ये विदाउट एनी पार्टी एफिलेशन जो है वो यहाँ पर एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में बैठे हैं, और इन्होंने जो है वो पहले भी हमें बताया था कि इन्होंने पार्टी हाईकमांड को भी जो है इसके बारे में बताया हुआ है। अब हम उम्मीद करेंगे कि जो ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कि एक कहावत है घर का भेदी लंका डाए, मेरी किश्तवाड़ के लोगों से अपील है कि वो जो घर का भेदी लंका डाए है उसमें जो है वो ना उलझे, और जो हकीकत है उसको जो है वो एक्सेप्ट करें। और मेरी भी कंपनी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच्चे हैं, आप आइए, डाटा लाइए, आप उसको जो है वो हमारे सामने लाइए, मीडिया के सामने लाइए, सोशल मीडिया में लाइए, स्टैंप देकर, ना कि उस तरह का डाटा जो रात को सोशल मीडिया पे जो है वो चलाया जा रहा है, ना कहीं स्टैंप है, ना कहीं कुछ है, सिर्फ किसी का नाम है, जबकि हम देख रहे हैं कि उसमें अब सुनने में मिला कि लीगल बैटल भी उस पर अब शुरू हुई है, अब डिसीजन जो है वो कोर्ट ही लेगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो मेरी यहाँ से लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी अफवाहबाजी में और बाकी चीज़ों में जो है वो ध्यान ना दें, और हमारी ये जो है वो एक जॉइंट लड़ाई है। हालांकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे एक न्यूट्रल व्यू लेना चाहिए, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं यहाँ के उस अनएम्प्लॉयड नौजवान के साथ हूँ जिसको यहाँ से जो है वो नौकरी नहीं मिल रही है, या उसको जो है वो यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को देखते रहे, हम आपको जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे।